गुड मॉर्निंग छात्रों, रामराजे इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे HIV की रोगजनकता, जिसमें हमने आपको कल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आज फिर मैंने ऐड कर दिया है, जिसको आप देख लेंगे। इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं, एक कोर रीजन होता है, एक कैप्सिड रीजन होता है, एक इनवलप रीजन होता है। ये कोर रीजन है, कैप्सिड रीजन है और ये इनवलप रीजन है। चार रीजन कंसिस्ट करता है और ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन है, इनके नाम दिए हुए हैं। सर, आज हम बात करेंगे HIV की रोगजनकता। HIV की जो रोगजनकता, मतलब HIV किस तरीके से रोग फैलाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो HIV है, HIV हमने बताते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस है, ठीक है। यह मनुष्य का इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करने वाला वायरस है, इसीलिए इसी के नाम से यह जाना जाता है। तो जो HIV है, HIV या जिस भी कोशिका पर अटैक करता है, वह विशेष प्रकार के कोशिका कला होता है, जिसकी कोशिका कला पर रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ग्राही प्रोटीन होते हैं। इस ग्राही प्रोटीन का नाम है CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन इज ए रिसेप्टर प्रोटीन विच अट्रैक्ट HIV मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ करता है, तो CD4 प्रोटीन जिस भी कोशिका कला पर होगा, सेल मेम्ब्रेन पर होगा, HIV वहीं पर अटैक करता है। और यह जो CD4 प्रोटीन है, कई प्रकार के कोशिकाओं पर पाया जाता है, मुख्यतः यह जो है T4 पर पाया जाता है। मुख्यतः का मतलब अधिक संख्या में T4 लिम्फोसाइट्स सेल्स पर पाया जाता है। T4 लिम्फोसाइट्स, आपको हमने प्रतिरोधक क्षमता में बताया था, T4 एक एंटीबॉडीज क्रिएट करने वाला सेल्स होता है। तो देखिए, जब T4 प्रतिजन प्रत्यक्षी कोशिकाओं प्रत्यक्षी अणु बनाता है, अब जब उसी पर अटैक हो जाएगा, तो HIV की भयानकता आप समझ सकते हैं। तो ये T4 लिम्फोसाइट्स की सेल्स पर ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट्स की कोशिका पर CD4 प्रोटीन पाया जाता है, जहाँ से यह आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह T4 लिम्फोसाइट्स को नष्ट करके मनुष्य की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देते हैं, धीरे धीरे उसे बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो अटैक कैसे करता है, अटैक करने के यहाँ कई चरण बताए गए हैं। ये सभी जीवों के लिए भी है, जितने भी वायरस है या बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं, प्रक्रिया लगभग सबका समान होती है, केवल प्रोटीन्स के नाम बदलते हैं। इसमें देखने बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, ये फिगर के बारे में आज अभी हम डिक्टेट नहीं करेंगे, आज फिगर के बारे में कल हम और डिक्टेट करेंगे। अभी केवल फिगर देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिएगा आज, और थोड़ा सा ओरल सुन लीजिए। ओरल मतलब मौखिक बातें सुन लीजिए, इसके बाद फिर कल और इसमें बताएंगे, नेक्स्ट के क्लासेज में हम इसको फिर और बताएंगे। इसमें ये क्या है, होता क्या है, जनरली बात हमने कहा, जनरल सुन लेते हैं। इसमें होता है अवशोषण होता है, अवशोषण की प्रक्रिया, अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में जो HIV का वायरस है T4 की कोशिका पर अटैक करता है, मतलब उससे जुड़ता है। उसके बाद करता क्या है, HIV का जो वायरस है वह प्रवेश करता है, एंट्रेंस करता है T4 लिम्फोसाइट्स की सेल के अंदर, ठीक है, उसके सेल के अंदर जुड़ करके उससे मिक्स होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अनावरण, अनकोडिंग। इसमें जो T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर जब HIV प्रवेश करता है, तो जो HIV के ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड्स होता है वो डिग्रेड हो जाता, टूट करके अलग हो जाता, जिससे उसका जो RNA है वो मुक्त होता। कैसे, क्या मुक्त है, फिगर से बताएंगे। फिर चौथे और पांचवें चरण में क्या होता है, RNA का लिप्यंतरण, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इनटू DNA, मतलब RNA तो पाया जा रहा बैक्टीरिया सेल, उसमें क्या कहते हैं HIV सेल्स में, DNA पाया जा रहा बैक्टीरिया सेल में, जिस पर वो अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक करता है उसमें DNA पाया, तो RNA कन्वर्ट होता है DNA में। DNA में कन्वर्ट होने के लिए RNA ट्रांसक्रिप्टाइज करता है, सिंगल स्टैंड RNA से सिंगल स्टैंड DNA बनता है, फिर वही सिंगल स्टैंड DNA जो है
डीएसडीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एचआईवी का जो डीएनए है वह डीएसडीएनए से होस्ट कोश का मतलब जिस पर अटैक किया है उसके डीएनए से मिल जाता है। मिलने के बाद होस्ट के डीएनए से मिलने के बाद एचआईवी का जीनोम और न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब जब एचआईवी का डीएनए और होस्ट का डीएनए दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नए डीएनए का संश्लेषण करते हैं, और जब संश्लेषण मतलब पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं उनका समायोजन होता है, एक जो एचआईवी का स्ट्रक्चर उसके फॉर्म में आता है। फॉर्म में आने के बाद वह शरीर से वह उस पोषद कोशिका से बाहर आता है, ठीक है, उस पोषद कोशिका से बाहर आता है। तो ये इतनी एक्टिविटीज होती हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं होता क्या है। एचआईवी का जो वायरस है वह T4 कोशिका पर अटैक करता, लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है, उस पर जो उससे जुड़ता है, उससे जुड़ने के बाद उस सेल के अंदर उस कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद उसका एचआईवी का वायरस का अनकोडिंग होता है, उसके ऊपर जो लेयर पाया जाता है वो हटता है। लेयर हटने के बाद वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है, और यह डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है होस्ट के डीएनए से मिलता है, समाकलन होता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे से मिल जाता है। मिलने के बाद वह जो है उस अपने डीएनए जैसी नई कॉपी तैयार करता है। कॉपी तैयार करने के बाद एक दूसरे से असेंबल करता है, मिलता है, मिलने के बाद वह रिलीज करता है। ये प्रक्रियाएं होती हैं। अब कल फिगर के द्वारा हम कल फिर से बताएंगे, ठीक है। आज बस केवल आज आप लोग ये करिएगा, एचआईवी का स्ट्रक्चर याद रखिएगा दिमाग में, और क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं होती है इस पूरे पेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होती है वर्ड ध्यान रखना है, वर्ड पूछे जाते हैं, CD4 प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।